नमस्कार बंधु सकल, मार्चर 21 तारिखे लकडाउन लगे। सो लकडाउन पिछत पोन प्रथम बार बाहर गई आसो सिक्किम गई आसो। मैं अलरेडी सिक्किम गई तीन बार, नॉर्थ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम गई, साउथ सिक्किम और वेस्ट सिक्किम कितना जो ना। सो फर्स्ट टाइम गई आसो साउथ सिक्किम और वेस्ट सिक्किम। सो अपना भल पा मोर भिडिओ चाई किने। सो मोर गोटे हो गई से बेडिंग पत्र हो गल, गोटे बेडिंग पत्र हो गल देखिबा पारिसे। इतना गई आसो प्रथम पल्टन बजार रेलवे स्टेशन जाम, तात आम ट्रेन आसे 10 बजा और रात 6 बजा गई पाँ एन जि पी। जास्ट पल्टन बजार आलो, आम 10 बजा ट्रेन आसे, इतना बजि से अपना 9 ओसरा ओसरी। सो एक घंटा आसे और नयन दास नयन कपटी सरी फ्लैटे देखते ट्रेन जा जस्ट लैंड कर मैंने कि क्लास फ्लैट फ्लैट मैं मोर बहुत अकवर्ड फील होने ठिय हुआ ना, आज फर्स्ट टाइम इनके ठिय हो फाइनली आई वालो एन जे पी एडवांस आई गल 5:40 इतना 20 मिनट मान आगते इते आम टेक्सी लम एन जे पी। आम गाड़ी बुकिंग आते हैं बिल्डिंग कारण 8 बजा टाइमिंग से 2 रख लगे। सो एक इनफर्मेशन मैं दी आसो, आम जो धरी लग के अपना गैंगटॉक जा विचारे या दार्जिलिंग जा विचारे तो एन जे पे लगे, एन जे पे अपना गैंगटॉक दार्जिलिंग या पिलिंग गाड़ी पा जा। ट्रेन एन जे पी लगे और जो फ्लाइट बागडोगरा जा लगे, बागडोगरा इार 14-15 किलोमीटर मान डिस्टेंस आए। तार माने हेतुए मैं कब विचार जो अपना जो गैंगटॉक दार्जिलिंग पेलिंग भूटान जो ना जा क्य इते लगे यार गाड़ी लग लगे। इतना मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर लो नयन, कि खा तुम सैंडविच जूस सैंडविच तो दादा बुझी पाए ना, बुझी पाए निकी बुझी ना नहीं नहीं यहाँ पे बहुत सारा आसामीस और बंगाली वो एक जैसा ही है ना भाषा। सो मतलब वही हाँ सैंडविच खाए तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लालसा लालसा और बिस्कुट दादा बिस्कुट दिया बिना चीनी कौन दिया सिले ले लो ना बिस्कुट ले बिस्कुट लालसा और बिस्कुट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बोले दादा ताकि मैं गाड़ी यहाँ कथा आसिल 8 बजात, हमारे 8 बजात गाड़ी आसिल किंतु इतना बजे 10 खबर पालू 2 आग लगे 12 बजे। सो इते फेमास मार्केट एट आज हंगकंग मार्केट, सो इतना तक गई आसो बोलो हंगकंग मार्केट एक्सप्लोर कर
শুনিছোঁ বহুত কম দামতে বহুত ভাল ভাল বস্তু পায় তাত, এতিয়া গ'লেহে গম পাম কি কি ভাল ভাল বস্তু পায় কম দামত। ব'লক আমি হংকং মাৰ্কেট যাওঁ। এই ৰিক্সাত বহি বহি গৈ আছোঁ হংকং মাৰ্কেট। আহি পালোঁ হংকং মাৰ্কেট, এতিয়া চাওক বহুতবিলাক কম দামত বস্তু পায় ইয়াত হংকং মাৰ্কেট। ছয় ঘণ্টা ওয়েট করার পিছত ফাইনালি আমার গাড়ি আহিল, গাড়ির টাইমিং আছে আটটা, ওয়েট করেছিল ছয়টা বাজার পর, ছয়টা বাজার স্টেশনে গেছিল পাঁচটা চল্লিশে দেখতে হয়েছে, এটা বারোটা দশ হল, লগভগ সাড়ে ছয় ঘণ্টা ওয়েট করল। তো ফাইনালি গাড়ি আহিল আমার, ডকি ডকি খুব পাগল লাগিছিল, আমনিও লাগিছিল। তো এটা গৈ আছোঁ তেলেঙ্গলৈ, চ' ফাইনেলি আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট হ'ল শিলিগুৰিৰ পৰা তেলেঙ্গলৈ। চাৰে বাৰটা বাজিল, আমাৰ ড্ৰাইভাৰ দাদাই ক'লে যে ছয়টা বজাৰ ভিতৰত যাই পাম বুলি ক'লে, চাওঁ কেইটা বাজে যাই কিনে। তই হাই কৰি দিয়া নাচবে, মই আহিছোনে thank you.
ফাইনেলি ছয় ঘণ্টা জাৰ্ণিৰ পিছত হোটেল আহি পালোঁ। 12টা বজাত ষ্টাৰ্ট দিছিলোঁ, এতিয়া 6টা বাজিল, 6 ঘণ্টা লাগিল। ইয়াত যথেষ্ট ঠাণ্ডা, চ' চুৱেটাৰ পিন্ধিব লগা হৈছে। ইয়াত এতিয়াতো আৰু আন্ধাৰো হৈ গৈছে, বাহিৰত যাব লাগে একো নাই। চ' বাকী ভিউ নেক্সট মৰ্ণিং দেখাম। চ' আজিলৈ মোৰ ব্লগটো ইমানতে খতম কৰিলোঁ।